कराची टेस्ट का आज दूसरा दिन, पाकिस्तानी टीम 33 रन, 4 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगी। अजहर अली और फवाद आलम 5-5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, आबिद अली 4, इमरान बट 9, बाबर आजम 7 और शाहीन शाह 0 पर विकेट गंवा बैठे। मैच के पहले दिन 14 विकेट्स गिरी। जनूबी अफ्रीका की टीम 220 रन बनाकर आउट हुई। ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमेटी 1 रुकनी इंक्वायरी कमीशन में तब्दील। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद तहकीकात करके वजीर आजम को रिपोर्ट देंगे। जराए के मुताबिक काबीना इजलास में इमरान खान ने ब्रॉडशीट कमीशन के लिए जस्टिस अजमत सईद को मौजूं तरीन उम्मीदवार करार दिया। वजीर आजम और दीगर अरकान का ब्रॉडशीट मामले में अरबों रुपए जुर्माना और मुल्की वकार मजरूह होने पर इजहार नाराजगी। फॉरेन फंडिंग केस, पीटीआई ने जेयूआई के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी। 21 जनवरी को 92 न्यूज के प्रोग्राम द लास्ट आर का हवाला दिया। हाफिज हुसैन ने माजी में इराक और लीबिया की जेयूआई को फंडिंग का इंकशाफ किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं फजल रहमान को चंदे के जराए का हिसाब देना पड़ेगा, हाथ साफ हैं तो रसीदें जमा करवाएं। माजी में करप्ट लोगों को सियासी मसलहत के तहत रास्ते दिए गए। शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट के हवाले से मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, तहकीकात हुकूमत के मुखालिफों से नहीं मुजरमों से होगी। पीडीएम की तहरीक का मकसद एनआरओ लेना था। शाहिद खाकान कहते हैं नैप को बंद कर दे, जिसने चोरी ना की हो वो तो कहेगा खुल्लम खुल्ला एहतसाब करें। फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी में राबता, हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर इत्तफाक। मौलाना का कहना है यू टर्न नहीं लिया, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शन के बाद होगा। रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च का शौक नहीं, अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद लेकिन अमल होता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से मुजाकरात नहीं कर रहे, कहा उन्हें बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब का दावतनामा नहीं मिला। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की तजवीज। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी इक्तसादी राबता डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल पर कंपनी का मार्जिन 45 पैसे, डीलर का 58 पैसे बढ़ाने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल पर कंपनी मार्जिन में 45 पैसे, डीलर के लिए 50 पैसे इजाफे की तजवीज दी। 92 न्यूज ने मामला उठाया, F9 पार्क को गिरवी रखे जाने से बचाया। वफाकी काबीना ने F9 पार्क गिरवी रखने की समरी मुस्तरद कर दी। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने पूछा F9 पार्क की तजवीज किसने और क्यों तैयार की। वजारत खजाना काबीना को मुतमईन ना कर सकी। बाज वजरा की इस्लामाबाद क्लब गिरवी रख कर कर्जा लेने की तजवीज। 92 न्यूज ने F9 पार्क की खबर 23 जनवरी को दी थी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, अहम हुकूमती फैसलों से लाइल, एतराफ के बजाय अलग ही मंतिक पेश करने लगे। सोशल मीडिया पर कहते रहे F9 पार्क गिरवी रखने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने 92 न्यूज की खबर की तस्दीक की और कहा मीडिया पर खबरें चलने के बाद वजीर आजम ने फैसला तब्दील किया। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फराहमी बंद करने का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने सैकड़ों सनतों को गैस की फराहमी बंद करने की मंजूरी दे दी। काबीना तवानाई कमेटी ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फराहमी बंद करने का फैसला किया था। सनतों को गैस की फराहमी पर पाबंदी का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के पावर प्लांट्स को गैस फराहमी पर पाबंदी का इत्तलाक 1 मार्च से होगा। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के मवाक़से को गैर आइनी करार देने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल की करारदाद के हक में 45 और मुखालिफत में 55 अरकान ने वोट दिया। सेनेट अरकान से ट्रंप के खिलाफ मवाक़से की कार्रवाई के लिए गैर जानबदारी का हल्फ लिया गया। ट्रंप के मवाक़से की बाज़ाब्ता कार्रवाई 8 फरवरी को शुरू होगी।
सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी। सऊदी काबीना ने अकामे के सहमाही इजरा और तजदीद की मंजूरी दे दी। मंजूरी वर्क परमिट अकामा होल्डर्स के लिए दी गई है। सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फरमान जारी कर दिया। और बैतुल्लाह की छत की सफाई, मस्जिद अल हराम के इंतजामिया ने खाना काबा की छत की सफाई का अमल 40 मिनट में मुकम्मल किया। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज़ गिल अहम हुकूमती फैसलों से लाइल्म निकले। शहबाज़ गिल की हुकूमती फैसलों से लाइल्मी के एतराफ़ के बजाय अलग मंतिक। आज भी सोशल मीडिया पर कहते रहे कि F9 पार्क गिरवी रखने से मुतालिक कोई फैसला हुआ ही नहीं था। शहबाज़ गिल तो ला इल्म निकले, मगर वफाक वज़ीर फवाद चौधरी ने 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक करते हुए कहा, मीडिया पर खबरें चलने के बाद वज़ीर आज़म ने फैसला तब्दील कर दिया। इसी से पहले काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया था कि F9 पार्क की तजवीज़ किसने और क्यों तैयार की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा, शहबाज़ गिल वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी हैं, क्या उन्हें यह भी इल्म नहीं है कि वफाकी काबीना F9 पार्क गिरवी रखने की समरी मुस्तरद कर चुकी है। ये बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन मामला है कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर शहबाज़ गिल, जिनका वजारत खजाना बिल्कुल माशी अमूर से मुतल्लिक कोई तजर्बा भी नहीं है और ना ही उनसे बराह रास्त कुछ चीज़ों से आगाही रखते हैं। जैसा कि पहले 92 न्यूज़ ने इस खबर को 23 जनवरी को ब्रेक किया तो उस वक्त उन्होंने ये एक ट्वीट की कि ये खबर गलत है, उसके ऊपर इसरार करते रहे, लेकिन उसी दिन ही वजारत खजाना ने 92 न्यूज़ की खबर की इलामिया जारी करके तस्दीक कर दी थी। उसके बाद हमने वाजे तौर पर यह खबर में कहा था कि ये इस मामले का F9 पार्क को गिरवी रखकर कर लेने का फैसला हुआ, तमाम हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। ये मामला एजेंडे पर आ चुका है और मंगल के रोज़ इजलास में फैसला और हतमी मंजूरी होगी। इस हवाले से जब आज काबीना का इजलास हुआ, मंगल के रोज़ इजलास हुआ, तो वफाकी काबीना के अंदर सामने प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले का नोटिस लिया। चूँकि 92 न्यूज़ के अंदर इस तरीके से मामला हाईलाइट हुआ, प्राइम मिनिस्टर तक मामला पहुँचा था और प्राइम मिनिस्टर ने इस्तफ़सार किया कि F9 पार्क क्यों इसके अंदर तजवीज़ किया गया है। तो अब इस बात की वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी तस्दीक की है कि मीडिया में खबरें चलने के बाद वज़ीर आज़म ने फैसला तब्दील किया और अब और ऑप्शन पर गौर हो रहा है। लेकिन अभी भी शहबाज़ गिल इस बात पर अगेन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जबकि हुकूमत के लिए ही वो मज़ीद मुश्किल सूरत हाल का बाइस बन रहे हैं कि वो किस तरीके से ला इल्म है, जैसे कि वो खुद भी वफाकी काबीना के अंदर ज़राए का कहना कि मौजूद थे, लेकिन शायद वो अपनी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है या मुसलसल आवाम को लाइन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आज वजारत खजाना की समरी जो है CDA KNOC के बाद एक थर्ड पार्टी कंपनी से वैल्यूशन करवाने के बाद 6-7 माह की एक सख्त मेहनत के बाद आज वो पेश की गई थी वफाकी काबीना के सामने। तमाम वज़ीर आज़म ने इन मीडिया में इस खबरें चलने के बाद इसको मंजूरी की इजाज़त नहीं दी। काबीना के अरकान ने भी इसकी मुखालफत की और ये समरी मुस्तरद हो गई। सही, तो शहबाज़ गिल ला इल्म निकले हैं जबकि वो वफाकी काबीना का ही हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।